हम देख लें, इसके बाद से अन्य बातें बताई जाए। पहला जो आईपीसी की धारा 84 से मेंस में क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि अनसाउंड माइंड या चित्त विकृतता या विकृत चित्त पर प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करें। यानी कि पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है चित्त विकृतता पर प्रतिपादित सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो इन सिद्धांतों को पढ़ने के लिए जो केस के माध्यम से न्यायालयों ने उस सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन सिद्धांतों को पढ़ा जाता है। दूसरा जो मॉडल आपका बनता है वह आपका बनता है तीन समस्याएं बनती है, और वो जो समस्याएं बनती हैं, एक समस्या बन रही है निद्रा में अपराध, ये यूपीएससी मेंस में बना है निद्रा में अपराध। दूसरी समस्या बनती है मिर्गी में अपराध, मिर्गी के दौरान अपराध, और तीसरा अनुसूति उन्मत्तता, यानी कि उन्मत्तता यानी कि प्रसूत या दिलगिरी के दौरान अपराध। तीसरा जो इसमें मॉडल बनता है वह ये बनता है कि चित्त विकृतता होती क्या है और कब इसे बचाव के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी कि 84 के जो शब्द हैं उसकी व्याख्या करें। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि विधिक चित्त विकृतता तथा चिकित्सकीय चित्त विकृतता, यानी कि चौथा मॉडल आपका बनता है कि विधिक चित्त विकृतता और आपका चिकित्सकीय चित्त विकृतता में डिफरेंस बताइए। ये जो मॉडल हम बता रहे हैं ये मॉडल यूपीएपीयू में आ चुका है। चार एंगल से हम देखेंगे डिटेल में आपका अनसाउंड माइंड को, लेकिन अनसाउंड माइंड को देखने के लिए सबसे पहले आपका कुछ भूमिका मांग लिया जाए और भूमिका से कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपका कर सकते हैं कि इन प्रश्नों को एक-एक करके सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आपको 84, 85 और 86 देखना, यानी कि 84, 85 और आईपीसी की धारा 86 देखना है। देखिए इसमें भाई आपका अच्छे से, जहाँ तक 84 की बात है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करते समय उसके मस्तिष्क में दोष हो, मस्तिष्क में दोष का मतलब ये हुआ कि वह जो कार्य कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है या दोषपूर्ण है, या उस कार्य को के नेचर को प्रकृति को नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये कब, जब वह कार्य कर रहा होता है कार्य के पहले कार्य के बाद नहीं देखा जाएगा। यानी कि पहला नियम यह आया, फिर एक बार देखिए कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और अपराध करते समय उसके मस्तिष्क में दोष है और इस दोष के कारण वह उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है या यह नहीं समझ पा रहा है कि यह कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, तो ऐसी दशा में 84 ऐसे व्यक्ति को डिफेंस देती है, बचाव देती है। 84 में जो नियम बताया गया है
उसी का पूरक नियम 85 और 86 में दिया गया। आईपीसी की धारा 85 और 86 में भी मस्तिष्क में ही दोष है, लेकिन ये जो दोष उत्पन्न हुआ है वह नशे के कारण या मदिरा पान के कारण उत्पन्न हुआ है। तो यदि मस्तिष्क में दोष नशे के कारण या मदिरा पान के कारण उत्पन्न हो तो सेक्शन आपका जो अप्लाई होगा वह आपका होगा 85 और 86, और मदिरा पान के कारण न होकर अन्य कारणों से अगर मस्तिष्क में दोष उत्पन्न हुआ हो तो सेक्शन लागू होगा 84। ये आपका पॉइंट याद रखना इंटरव्यू के लिए। जहाँ तक चित्त विकृतता पर बातें हैं, आपका पहले कोरिलेशन कर लिया जाए, चित्त विकृत व्यक्ति आपका कौन होता है। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है कि पागल को आईपीसी ने क्या नाम दिया गया। तो पागल बिल्कुल न कहिएगा, आईपीसी अनसाउंड माइंड या चित्त विकृत व्यक्ति का, चित्त विकृत कहती है ऐसे व्यक्ति को। अब चित्त विकृत को लेकर क्या क्या नियम किन कानूनों में है, उन कानूनों को पहले गौर करिए। एक एक लाइन ही सही, लेकिन कोरिलेशन जरूर करिए। देखिए आपका चित्त विकृतता पर जो बातें हैं, अन्य कानूनों में कौन कौन से आपका कानून पढ़ना है। सबसे पहले भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 हम देखेंगे, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 देखेंगे। फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा आपका 118 देखा जाएगा, 118 देखा जाएगा। फिर आपका जो सीआरपीसी में हमें देखना है, सीआरपीसी में जो देखना है वह आपका देखना है 328 से लेकर 339, यानी कि सेक्शन 328 से लेकर 339 तक सीआरपीसी में। उसके बाद 1987 में भारतीय पागलपन अधिनियम बना है, उसको भी देखना। आइए देखा जाए आपका ब्लैक स्टोन महोदय का देखा जाए। ब्लैक स्टोन महोदय ये कहते हैं कि पागल अपने पागलपन मात्र से ही दंडित होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ऊपर वाले ने खुद ही उसे पागल बना दिया, तो ऐसी दशा में भगवान या गॉड या अल्लाह ने खुद ही उसे पागल बनाकर दंडित कर दिया है, अतः कानून द्वारा उसे दंडित न किया जाए। ये ब्लैक स्टोन महोदय कहते हैं। जहाँ तक अनसाउंड माइंड पर्सन की बात है, अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में एक एक करके हम देखें। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का सेक्शन 11 और 12 देखें, यानी कि 11 और 12 को देखा जाएगा। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 ये स्पष्ट बता देती है कि जो चित्त विकृत व्यक्ति होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, वह संविदा के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम नहीं होता। अगर वह संविदा करता है तो ऐसी दशा में वह संविदा वाइड होगी, वाइड एक्ट की विषयों होगी, प्रारंभतः शून्य होगी। तत्पश्चात संविदा अधिनियम का सेक्शन 12 बताता है कि कब किसी व्यक्ति को चित्त विकृत कहा जाएगा या चित्त विकृतता है क्या।
या कब किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाएगा, इसका निर्धारण कॉन्ट्रैक्ट की धारा आपका 12 से किया जाए। आइए दूसरे पॉइंट पर देखें हम एविडेंस की धारा 118 का एक्सप्रेशन। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 118 का एक्सप्रेशन यानी कि स्पष्टीकरण ये बता देता है कि पागल आपका सक्षम साक्षी होगा, यानी कि जो पागल होगा वह कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, लेकिन तब यदि वह पागल न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझ रहा हो और उसका रीजनेबल या उचित या युक्त उत्तर दे रहा, यानी कि भले ही दुनिया भले ही डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को पागल घोषित किए हो, लेकिन न्यायालय ये देखेगा प्रश्न पूछकर कि क्या ये पागल प्रश्न समझ रहा है और उसका उचित उत्तर दे रहा है। अगर दे रहा है तो वह आपका कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाए। तत्पश्चात यदि अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उसका ट्रायल जांच या विचारण रोका जाएगा और ऐसे व्यक्तियों का इंक्वायरी और ट्रायल कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमारी सीआरपीसी की धारा 328 से लेकर 339 तक में डिटेल में प्रावधान किया गया। इसमें जो प्रावधान है आपका कहीं पूछा तो नहीं गया था, लेकिन बिहार जे में एक बार मेंस में ये क्वेश्चन आया था 328 से लेकर 339 तक। ऐसे आगे बढ़ा जाए आपका जहाँ तक अनसाउंड माइंड पर्सन की बात है, अनसाउंड माइंड पर्सन आपका अगर है तो इसके लिए भारतीय पागलपन अधिनियम 1987 बना है कि पागलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कहाँ रखा जाए। तो ज़्यादातर पागल पागलखाने में ही रखे जाते हैं या तो आगरा या रांची इत्यादि जगहों पर पागलों के लिए अलग अस्पताल और जेल बने। अगला देखा जाए अब 84 जबनिस आईपीसी पढ़िए। 84 के साथ आपका 98 भी पढ़ना पड़ेगा। अगर चित्त विकृत व्यक्ति या अनसाउंड माइंड पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो वह डिफेंस का हकदार होगा, वह बचाव का हकदार होगा और वह जो बचाव उसे मिलेगा वह आपका आईपीसी की धारा 84 में मिलेगा। लेकिन समस्या अब ये आई कि अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति आप पर हमला करता है या उसकी कार से आपके शरीर या संपत्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है तो क्या आप ऐसे चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यानी कि पागल को मार कर अपने को बचा लीजिए या चित्त विकृत व्यक्ति को भी मार कर अपने और समाज को बचाइए, ये शुद्ध रूप से आपका आईपीसी की धारा 98 बताती है, यानी कि जब भी आप 84 पढ़िए इसी के साथ आपका आईपीसी की धारा 98 भी पढ़नी पड़ती है। आइए अब आगे चला जाए आपका पहले जो मेंस में बने क्वेश्चन उसको निकाला जाए कह करके, और पहला जो हम मेंस का क्वेश्चन बता रहे हैं तीन तरीका बता रहे हैं, एक मित्रा में अपराध, दूसरा मिर्गी में और तीसरा अनुसूत उन्मत्तता। देखिए चित्त विकृतता को उन्मत्त व्यक्ति भी कहा जाता है। उन्मत्त
का मतलब हुआ चित विकृत या अनसामान और केवल मत व्यक्त दे दे। अगर मत दे दे इसका मतलब कि नशा वाला व्यक्ति, मदिरा पान वाला व्यक्ति, इसका मतलब कि 85 और 86। लेकिन हमें उन्मत देखना है। और फिर याद रखिए 84 में कई बार पूछा गया है उन्मत व्यक्ति का कार्य, तो 84 से गवर्न। ठीक पहले देखिए जो मेंस में क्वेश्चन बने उसी को कह करके निकाला जाए। मेंस में जो पहला क्वेश्चन आपका बना है वह ये क्वेश्चन आपका है कि अगर कोई व्यक्ति निद्रा में अपराध करता है तो विधिक स्थिति बताइए, क्या वह बचाव का हकदार होगा कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति निद्रा में अपराध करता है तो वह IPC की धारा 84 में बचाव का हकदार होगा। 84 को आप लिखना पड़ेगा, आपको 84 में बेलेक्ट लिखना पड़ेगा, चित विकृत व्यक्ति का कार्य, यानी कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो चित विकृतता के कारण कार्य करते समय उस कार्य की प्रवृत्ति को, या यह कि उस कार्य वह कार्य दोषपूर्ण था या विद्रोह था समझने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में आपका निद्रा में अगर अपराध किया जाता है तो कुछ लोगों को निद्रा में चलने की बीमारी होती है और अगर वे व्यक्ति उस दौरान कोई अपराध कर देते हैं तो ऐसी दशा में उनका मस्तिष्क काम नहीं करता, यानी कि मस्तिष्क में दोष रहता है और इस दोष के कारण वे लोग क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं पाते। अतः निद्रा में किए गए अपराध को आपका बचाव किया गया है इस आधार पर कि व्यक्ति पागल नहीं है लेकिन अनसाउंड माइंड है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में दोष के कारण आपका वह अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है जिस समय वह कार्य कर रहा। अतः निद्रा के दौरान या निद्रा में चलने के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 84 के तहत वह डिफेंस का हकदार होगा और कानून ऐसी दशा में उसे कोई सजा नहीं दे। दूसरा आइए मिर्गी के दौरान अपराध। सेम नियम मिर्गी के दौरान अपराध में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति मिर्गी के दौरान अपराध करता है तो वह भी IPC की धारा 84 का बचाव का हकदार होगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्य तो वह करता है लेकिन मस्तिष्क में दोष के कारण वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ होता है। तो मिर्गी में पूछे तब भी बचाव दिलवाएंगे। तीसरा पॉइंट आइए देखा जाए अनुसूत उन्मत्तता या प्रसूत उन्मत्तता, या इसको आपका देखिए कभी कभी आपका महिलाओं की जब बच्चा पैदा होता है तो इतना ब्लड गिर जाता है या इतना वे दर्द में रहती हैं कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। और उस दौरान यदि कोई महिला कोई अपराध करती है तो वह बचाव की हकदार होगी। वह पागल नहीं है लेकिन उसकी मानसिक दशा उस समय ठीक नहीं थी प्रसूत उन्मत्तता के कारण जिस समय वह अपराध की। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार रखना है। यदि आप लिखे 3 पॉइंटों को अच्छे से तैयार रखना है, इसके बाद आइए चित विकृतता पर जो लीडिंग केस है वह देखा जाए और लीडिंग केस को अच्छे से देखिए।
जहाँ तक विविधता की बात है, चिकित्सा की तौर पर जो लीडिंग केस है, जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, वह आपका है, कर सकते हैं कि आपका वह लीडिंग केस है मैकनाटन का। मैकनाटन के बाद एकित और पढ़ने से पहले आपका मैकनाटन का जो बात है वह पहले देखा जाता, तब और मेंस के क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन पहले मैकनाटन के बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि जो चीज विकृतता पर भिन्न प्रतिपादित की गई है वह मुख्य रूप से मैकनाटन में दिए गए केस पर ही आधारित है। देखिए आपका मैकनाटन के केस को देखा जाए, ये जो मैकनाटन का केस है इसकी पहले कुछ विशेषताएं बताई जाए। ये जो केस है 1843 का, यानी कि यह केस 1843 का है। दूसरी इसकी विशेषता ये रही कि इसमें कुल 15 जजों की पीठ बैठी थी, यानी कि इसमें कुल कितने जजों की पीठ बैठी थी, 15 जजों की पीठ बैठी थी। 14-1 से निर्णय आया, 14 जज पक्ष में निर्णय दिए, 1 जज विरोध में निर्णय दिए। अब फिर पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन था, सीजे कौन था, तो जो सीजे थे वह टिंडले याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है कि जो ये एक निर्णय दिए थे अल्पमत में, जो अल्पमत में निर्णय दिए थे, इस अल्पमत में निर्णय देने वाले का नाम क्या था, तो ये थे जस्टिस माल। यानी कि जस्टिस माल ने अल्पमत में निर्णय दिया। फिर आपका पूछा जाता है मैकनाटन के वकील कौन थे, तो जो मैकनाटन के वकील थे वे थे काकबर्न थे। यानी कि मैकनाटन के जो वकील थे वह काकबर्न थे। और आपका मैकनाटन ने किया क्या था, तो मैकनाटन ने एडमंड ड्रंक की हत्या की थी। मैकनाटन ने एडमंड ड्रंक की हत्या की थी। और आप क्या कह सकते हैं, और ये आपका ये प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील थे, प्रधानमंत्री थे सर रॉबर्ट पील। देखिए इस केस में होता क्या है, बहुत आपका लीडिंग केस है और इस केस में जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी गौर करना है, ध्यान से इसको समझिए। लगभग छोटी छोटी बातों को आपका लिखा भी गया है। देखिए आपका काफी लीडिंग केस है। देखिए इसमें हुआ क्या था, इस केस में आपका कह सकते हैं कि मैकनाटन ये स्कॉटलैंड का निवासी था और यह विक्षिप्त प्रधान से ग्रसित था, मैंने यह एक रोग से ग्रसित था और उस रोग से ग्रसित था बीच आपका उन्मत्त भ्रांत में था, यानी कि विक्षिप्त भ्रांत में था। और ये विक्षिप्त भ्रांत में इसलिए था कि ये समझ रहा था कि प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील ने उसे नुकसान पहुंचाया और यह रॉबर्ट पील की हत्या करने के लिए गया और पहचान नहीं पाया, और रॉबर्ट पील के जो सचिव थे, निजी सचिव थे एडमंड ड्रंक,
उन्हीं की हत्या कर दी, यानी कि हत्या करने गया था रावण पीर की और धोखे से पहचान के अभाव के कारण प्रधानमंत्री के निजी सचिव एडमंड ड्रंक की हत्या कर दी। तत्पश्चात मैकनाटन पर हत्या का आरोप लगा और जब हत्या का आरोप लगा तो इसकी ओर से बचाव करने के लिए वकील साहब आए काकबर्न। वकील का नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वकील का नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। देखिए आपका मैकनाटन के वकील काकबर्न ने न्यायालय में ये साबित किया कि मैकनाटन विक्षिप्त प्रधान से ग्रसित था, यह रोगी था और यह अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ था, रोमस्तिष्क में दोष के कारण, अतः इसे विक्षिप्तता का बचाव दिया, यानी कि चित्त विकृतता का बचाव दिया जाए। तत्पश्चात निचले न्यायालय ने विक्षिप्तता का बचाव देते हुए मैकनाटन को बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि एक्विटल कर दिया। जब ये दोष मुक्त हो गया, बाइज्जत बरी हुआ, तो ऐसी दशा में आपका पूरे इंग्लैंड में आपका रोष और गुस्सा पैदा हुआ, हाहाकार मची कि हत्या करने वाला बाइज्जत बरी हो गया और चित्त विकृतता के कारण। तो इसके पहले किस बिंदु से आगे बढ़ा जाए, आपका जो बिंदु हमें यहाँ कवर करना है वह आपका कवर करना है काकबर्न के बारे में। देखिए काकबर्न के बारे में आपका बता दिया है, एक सामाजिक नियम भी है कि जब व्यक्ति आपका हैसियत जब व्यक्ति की चेंज होती है तो ज़्यादातर लोगों के विचार भी बदल जाते हैं, यानी कि हैसियत जब चेंज होती है तो विचार भी बदल जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था और बहुत नैतिकता की बातें कर रहा था और जैसे ही वह सरकारी नौकरी पाया सबसे बड़ा घुसखोर निकला, यानी कि उसकी जो आपका कह सकते हैं विचार हैं बदल गए। जैसे विवाह में भी होता है, माहौल भी आजकल चल रहा है कि एक विद्यार्थी था, बड़ी लच्छेदार भाषण देता था, बड़ी सोशल मीडिया पर लिखता था कि हम दहेज नहीं लेंगे, इसका घोर विरोध करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि ना दहेज लेंगे न लेंगे। लेकिन जब सेलेक्ट हो गया तो कई लाख दहेज लेकर अपना विवाह किया, यानी कि व्यक्ति के विचार परिवर्तित होते रहते हैं। तो काकबर्न पर आइए, जो ये काकबर्न वकील थे ये मैकनाटन को बचा लिए, लेकिन जब ये बाद में जज बने और हाउस ऑफ लॉर्ड के मुख्य न्यायाधीश भी बने, जब ये जज बने तो एविडेंस की धारा 6 में केस पढ़ा जाता है, वह केस सामने इनके आए और वह जो केस था आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस आया, जिसमें कि वेडिंग फील्ड पर आरोप था कि उसने एक स्त्री की गला काट कर हत्या की थी और स्त्री के रूप में गला काटा गया और आपका वह स्त्री बाहर आई आंगन में और अपनी चाची से कहे कि ओ माय डियर आंटी, ओ मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या हालत कर दी है, उसके बाद मर गई। तो जस्टिस काकबर्न ने अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया और 2 पॉइंट इसमें उठाए गए थे केस में कि पहला डीडी माना जाए, डीडी का मतलब डाइन डिक्लेरेशन माना जाए। तो काकबर्न ने कहा इंग्लैंड में मृत्युकालीन कथन के लिए आवश्यक है कि कथन करते समय पीड़ित मृत्यु
की पूर्ण आशंका में हो, और यहाँ वह औरत को पूर्ण आशंका नहीं थी। दूसरा तर्क दिया गया कि वह देखते में माना जाए, एक ही संव्यवहार का भाग माना जाए। तो कांतवर्ण ने कहा कि जब गला काटा जा रहा था उस समय स्त्री कही होती तो ये वह देखते में आता, गला काटा गया घर में और बातें कहीं आंगन में, तो एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना जाएगा। यानी कि विचार व्यक्ति के परिवर्तित होते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप समाज में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए इसके तत्पश्चात, जब मैं नाटन को बाइजत बरी कर दिया गया तो पूरा आपका इंग्लैंड में वो हल्ला मचा और इंग्लैंड में इसका विरोध हुआ। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस पर विचार किया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 जजों की एक कमेटी बनाई जो चित्तविक्तता पर प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करते। एक पॉइंट यहाँ से याद रखना, मैकनाटन के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई अपील नहीं की गई। दूसरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 जजों की एक पीठ बना दी जिसमें मुख्य न्यायाधीश याद रखिए टिंगले थे, और 15 न्यायाधीशों के सामने कुछ प्रश्न रखे गए और कहा गया कि इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो 14 जजों ने सर्वसम्मत से उत्तर दिया। एक जस्टिस अल्गुमत में दिए जो जस्टिस माल थे, और ये जो प्रश्नों का उत्तर हाउस ऑफ लॉर्ड ने दिया यही आधार बनी चित्तविक्तता के विध के, यानी कि न्यायालय के निर्णय का प्रभाव आगे कानून बनाने पर पड़ा। भारत में मैकनाटन के सिद्धांतों को पूरी तरह स्वीकार तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ हद तक इसे एक्सेप्ट किया गया है। कुछ बातें स्वीकार की गई हैं और कुछ बातें स्वीकार नहीं की गई। आगे आपका केस सही बताया जाए, इस प्रकार आपका ये मैकनाटन का वाद अच्छे से याद रखना है, आपका अच्छे से इसको तैयार रखना। अब आइए आगे देखा जाए आपका 84 की पहले व्याख्या की। देखिए, जब भी आपसे पूछे कि चित्तविक्तता संबंधी विधि का उल्लेख करिए तो मैकनाटन का केस आपको हर हाल में देना होगा। देखिए पहले डायरेक्ट देखा जाए तब। अब आपका क्वेश्चन ये है चित्त विकृतता से संबंधित विध का उल्लेख करें। तो आइए देखा जाए, आईपीसी के सेक्शन 84 में चित्त विकृतता को बचाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है या मान्यता प्रदान की। चित्त विकृतता को बचाव के रूप में मान्यता प्रदान करने के पीछे यह मैक्सिम है कि एक्टस नान फैसिट रियम नासी मेंस सिट रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका आशय हो। अर्थात केवल एक्टस क्रिया के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि मेंस रिया न हो। और चूंकि 84 में एक्टस रिया तो होता है लेकिन मेंस रिया मस्तिष्क में दोष के कारण नहीं होता, अतः ऐसे व्यक्ति को यानी कि चित्त विकृत व्यक्ति को बचाव दिया जाता है। अब देखिए 84 का दी जा रहे हैं, अब एक बार डायरेक्ट बताया जाए और तब अन्य आपका सिद्धांत इत्यादि बताया जाए। देखिए 84 का दी जा है, 84 ये कहती है कि आपका चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा आपका चित्त विकृत व्यक्ति विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। देखिए डायरेक्ट क्या कहता है,
कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय जो शब्द है ये ज़्यादा अटैक करना है यानी कि चित विकृतता कार्य करते समय अपराध करते समय होनी चाहिए। अगर अपराध करने के पूर्व चित विकृत था या अपराध करने के बाद हो गया तो ऐसी दशा में एक ही कोर्ट उसे कोई बचाव नहीं दे, यानी कि जब वो अपराध कर रहा था उस समय चित विकृत था और चित विकृतता के कारण उस कार्य की प्रकृति यानी कि नेचर यानी कि चरित्र को नहीं समझ पाया। नेचर माने चरित्र होता है, उस कार्य के चरित्र को नहीं समझ पाया या व्यक्ति जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है यानी कि गलत है या विधि के प्रतिकूल है, लाभ के अगेंस्ट है, जानने में अगर असमर्थ है तो वह एक ही खोर में बचाव का हकदार हो। यानी कि आपका बेयर एक्ट में ये बातें समाहित हैं, इसको अगले लेक्चर में आपका डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपका आईपीसी की धारा के भी खोर में अभी दो मॉडल बचे हैं, आपका सिद्धांत और विधिक और चिकित्सकीय चित्त विकृतता में अंतर जो आपका अगले लेक्चर में कवर किए जाएंगे। आपको भाई देखिए सूचित किया जाता है कि मेंस के लिए जो क्वेश्चन होंगे कल से आपका भेजा जाएगा पेपर, और आप प्रयास करिए इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं कि आपका नोट भेजना मुश्किल है सबको, और नया नोट भी मर रहा है अतः पीडीएफ फाइल भी अभी बनाना मुश्किल है। अतः सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि आपका कल से मेंस के लिए भेजा जाएगा लेक्चर, और आपका आवाज़ सुनकर धीरे धीरे ही बोला जाएगा। मेंस के लिए आप घर पर लिख लीजिए प्रश्न पूछकर, एक बार लिखेंगे तो अभ्यास भी होगा याद भी। और आपका SC ST Act का लेक्चर भेजा जाएगा, लाइव क्लास नहीं चलेगी। अब लाइव क्लास आपका कल चलेगी। धन्यवाद। स्पीड बढ़ा दिया जाए, ठीक सब्जेक्ट चला दिया धीरे धीरे, आधा घंटा और SC ST Act की भूमिका स्थापन किया जाए, आधा घंटा 10 मिनट रुक जाइए तब उसके बाद स्पीड